मल्टीप्लाई मतलब गुणा के ऐसे सवाल जो तुरंत 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएं। आज ऐसी ट्रिक जो आप देखते ही आप बनती है। चलिए मिलते हैं वीडियो के अंत में। एक बार फिर से एम विद रोहित चौहान चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैथ में ट्रिक्स, मतलब कि आज जो भी हमारे बड़े बड़े पहलवान होंगे इस ट्रिक्स के माध्यम से वो धराशायी हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक्स जो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर वो सॉल्व करके दिखा दे, ये मेरा दावा है, ये है ना। तो इस ट्रिक को आप इसको अपने जीवन में अपनाइए और परीक्षाओं में सफल हो जाइए फ्रेंड्स। और हमारे भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें यूपी टेट, सी टेट, जनरल नॉलेज की इसकी वीडियोस बनी हुई है। आप वहां पर जाइए और हमारी वीडियोस को देखिए, ठीक। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं वीडियो के अंत में। ऐसी ट्रिक जो दिमाग को हिला के फेंक दे, ये और ये जो वीडियो मैथ की पहले पार्ट है ये, ठीक है ना। और ये सवाल जो हैं ये 5 सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ये है ना। ऐसी ट्रिक आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो आप देखते ही आपको मज़ा आ जाएगा। अभी बोलिए, ये इतने बड़े बड़े जो पहलवान हैं ना, ये कुछ सेकेंड में ही सॉल्व हो जाएंगे, ये है ना। अक्सर बच्चे इन मल्टीप्लाइज में बहुत गलती कर जाते हैं ये। तो भाई आज का ज़माना कैसा है, कंपटीशन का है ना। तो कंपटीशन के साथ चलिए ये, है ना। तो ये वीडियो बहुत सुपर फास्ट और बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। और एक चीज़ आपसे ज़रूर कहेंगे, विनम्र विनती है, आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी इस चीज़ को आप अच्छे से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, मैथ की ट्रिक्स है दोस्तों। पहली ट्रिक है ये, देखो हम ये जो मल्टीप्लायर्स है हम इजीली आराम से कर जाएंगे भैया। क्या होता है, 3 2 6 हो जाएगा ये, है ना, 4 2 8 हो जाएगा ये, है ना, ये छोटे बच्चे जान लेंगे। दिक्कत कहाँ आती है, ये इन सवालों में दिक्कत आती है, ये है ना। अब ये कैसे होता है इसको ज़रा समझो, ज़रा ये है ना, इसके लिए क्या चलेगा, यहाँ पे नीजो चलेगा, ये NEZO, N49 वैसे का वैसे ही रहेगा ये, इसमें किसी भी तरीके का से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए भैया हम 2 बार 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 9 से ही करेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा ये, है ना, देखिए 2 बार 9 है और ये भी हमारा 2 बार 9 है ना। तो मुझे क्या करूँगा, मैं 1 बार 9 लिखूँगा, 8 को तो मुझे कोई छिड़का नहीं करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई दिक्कत क्या है। जब 9 हमने एक बार लिखा है तो 0 भी एक बार लिखेंगे और 1 भी हम एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब कभी भी अगर हम इस तरह की कोई मल्टीप्लाई आती है ना, 99 999, आप इस नीजो को याद कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये देखो देखो कितना भयंकर बड़ा सवाल है, है ना, अच्छे सच्चे लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हम इजीली इन चीज़ों को हम कर जाएंगे, ये है ना। क्या करेंगे हम, आइए नीजो महाराज को उतारिए, यहाँ पे उतार लीजिए नीजो महाराज के, है ना, N49 E48 Z40 O41, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार 9 लिख दीजिएगा, तो इधर भी 3 बार 9 ही लिखिएगा, ये 4 बार 9 मत कीजिएगा, तो आपकी गलती हो जाएगी वहाँ पे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या किसी भी तरीके से कोई भी आप चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसे ही रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे 3 बार 9 है, ये भी 3 बार, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 बार 9 लिख दीजिएगा, 8 वैसे का वैसे ही रहेगा, और 2 बार 0 लगा दीजिएगा यहाँ पे, और 1 लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है ना। अब देखो वही सेम चीज़ है, इधर आपका 4 बार 9 है ना, तो इसको भी हम 4 बार 9 के हिसाब से करते हैं, 4 बार 9 मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 बार 9 में,
आइए निधु महाराज उतर जाइए। उतर गए। N फॉर 9, E फॉर 8, Z फॉर 0, O फॉर 1। ये फ्रीज है, ये भी फ्रीज है ना, देख रहा है ये लाइन में। इनके साथ मुझे कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे 4 बार 9 है, ये भी 4 बार 9, तो मैं क्या करूँगा, 3 बार 9 लिख लीजिएगा। 8 वैसे ही रहेगा और ये 3 बार 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। वाह, आगे देखो और देखो, ये आपका 5 बार 9 है ना। मैं इसलिए बार बार प्रैक्टिस बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, है ना। देखिए 5 बार 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये 5 बार 9 से, है ना। नीचे याद कर लीजिएगा, N E Z O, N फॉर 9, E फॉर 8, Z फॉर 0 और O फॉर 1। ये वैल्यूज और ये वैल्यू बिल्कुल फ्री, किसी तरह कोई छिड़का नहीं। अब यहाँ पे 5 बार 9 है, 5 बार 9 है, तो हम 4 बार 9 लिख दीजिएगा, ठीक। 8 वैसे वैसा है और 0 ये 4 बार 0 और ये 1। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया, ये ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही इसमें टिप्स में बताया गया है कि जब भी आपका ये 99999 ऐसे चले यहाँ पे, ये है ना, तो ये आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो आप नीजों को याद कर लीजिए, इसमें जो दूसरा नंबर होता है बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा एम विद रोहित चौहान चैनल के साथ में। ये बहुत ही सुपर फास्ट और महत्वपूर्ण क्लास है, ट्रिक्स की पहली क्लास है, तो इसको आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हमारा सेकेंड टिप है, ये ट्रिक्स है ना। हम देखो छोटी मल्टीप्लाई इजीली कर लेंगे भैया, 3 का 3 9, छोटा बच्चा इजीली कर लेगा, 4 2 8 है इजीली कर लेगा, ये है ना, 5 2 10 इजीली कर लेगा, है ना। पर दिक्कत कहाँ आती है, इन सवालों में दिक्कत आती है, हम जल्दी इसको नहीं कर पाते हैं, ये है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, भैया यहाँ पे देखो 3 है, ये भी 3 है, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओ जैन लगाएंगे, फॉर 1 1 1, ये 0 है ना, ई फॉर 8 और ये 9। ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल फ्रीज रहेगी, इसके साथ किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं करना होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 बार 9 है, ये भी 2 बार 9 है, ये तो यहाँ पे 1 बार 1 लिखिएगा, 0 तो 0 रहेगा वहाँ पे। मैंने बोला ना, इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी छिड़खानी नहीं करनी है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक। अगला आपका 8 हो जाएगा, दूसरा आपका 9 हो जाएगा, मतलब ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल किसी भी तरह कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें होगा ये। अब इसे परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 थी, ये भी 2 बार 3 था, तो यहाँ पर 2 को हम 1 कम करके लगाएंगे, इसको हम 1, जब इसको कम किया है तो इसको भी कम करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और बढ़ते हैं और थोड़े बड़े बड़े सवाल करते हैं, ये है ना। ये देखिए, ये हमारा ओजन वाली ट्रिक चल रही है, ठीक है। ये हमारे जैसे मान लो कि 3 बार 3 है, ये है ना, और ये आपको क्या था, ये नीजो था, है ना, N E Z O। ये चलेगा आपका, ये जैसे 3 बार 9 के लिए चलेगा, ये है ना, भाई ऐसा था, ये था आपका ओजन वाला था ये, और ये था आपका नीजो वाला था ये, है ना। मतलब N E Z O, N for 9, E for 8, Z for 0, O for 1, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं कर पड़े, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका, ठीक था ये for 1, Z for 0, E for 8 और N for 9, ये आपका ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, ठीक। और ये आपके हो जाएगा ऐसे, इसका आंसर क्या होगा, ये आपका 3 बार 3 है, तो हम 2 बार 1 लगाएंगे यहाँ पे, 0 लगाएंगे, 2 बार 8 लगाएंगे और 9 हो जाएगा, है ना। इसका क्या होगा आपका, ये 2 बार, इसका आंसर यहाँ बताते हैं, है ना, 2 बार 9 हो गया,
और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रिकैप था तो इस चीज़ को करेंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे भाई चार बार भाई तीन है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, वही ओजन को याद करूँगा। ये आइए भाई बेड़ा पार करिए, ओ फॉर वन, जेड फॉर जीरो, ई फॉर एट, एन फॉर नाइन। ठीक, अब बात हो जाते हैं यहाँ पे चार बार आपके थ्री, और ये वैल्यू बिल्कुल फ्रीज होती है, ये हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे चार बार तीन है, ये भी चार बार तीन है, तो मैं क्या करूँगा, चार बार तीन है तो मैं इसको तीन बार एक लिखूँगा, ये एक दो तीन, ठीक। उसके बाद जीरो, कोई छिड़काने नहीं, और आठ भी हम तीन बार लिखेंगे, और यहाँ पर नाइन, नाइन जो किसी के साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। और देख लो, और थोड़ा एक ये आपका आखिरी है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज स्क्रॉल हो गया है, तो सॉरी फॉर दिस वन। ये देखिए, ये आपका सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पर अगर इसको हम कैलकुलेटर माध्यम से करेंगे तो हम जल्दी इसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, है ना, पर हम इस ट्रिक के माध्यम से हम उस चीज़ को हम बेड़ा पार कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए भैया हमने छः बार तीन लिखना है, ठीक, तीन चार पाँच छः, इधर भी करेंगे तीन दो, मतलब कि तीन, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, है ना। तो ओजन याद रखिएगा, ओ जेड ई एन, ओ फॉर वन, जेड फॉर जीरो, ई फॉर एट, ई फॉर नाइन, ये आपका ये वैसे ही रहेगा, ये है ना। ये संख्या कितनी है, है ना, ये छः संख्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पांच बार एक लिखना पड़ेगा, एक दो तीन चार पाँच लिख लिया, उसके बाद जीरो है, एक बार जीरो लिखिएगा, ये आठ, मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, पांच बार, एक दो तीन चार, और ये पांच, आखिरी क्या है, ये नाइन है, नाइन लिखा दीजिएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी से, तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स है, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, एंडिंग की ओर चलते हैं, ठीक है। बहुत सुपर फास्ट तरीके से है, स्किप मत कीजिएगा, और भी ट्रिक्स अभी आपका इंतजार कर रही हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारी तीसरी ट्रिक है, ये है ना, हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई हम इजिली कर लेंगे यहाँ पे, है ना, सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स, सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स, ये क्या है, सिक्स के लिए बनी हुई है ना, तो इस चीज़ को आपको देखना ही है। और दिक्कत कहाँ आती है, जब यहाँ पे डबल सिक्स आ जाइए, है ना, तो इसके लिए भी क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, इसको हम कहते हैं फॉट फिक्स। देखो, डबल नाइन के लिए नीजो है, डबल थ्री के लिए ओजेन है, और डबल सिक्स के लिए है फॉट फिक्स। फॉट फिक्स क्या होता है, फॉर मतलब कि फोर, है ना, टी फोर, ये थ्री होता है, ये है ना, फिक्स मतलब कि ये आपका वो फोर थ्री फाइव सिक्स, मतलब फोर थ्री और फाइव, मतलब एफ, एफ क्या होता है, फाइव होता है, फिक्स, फा फिक्स, और फिर एस फॉर सिक्स होता है, ये है ना। तो इसके हिसाब से कुछ मैंने याद करने के लिए बनाया है, इसे कहते हैं फॉट फिक्स, मतलब फोर थ्री फाइव सिक्स, ये इसका ये है, मतलब जब भी क्या है डबल सिक्स, है ना, इसका मल्टीप्लाई करना हो, या तीन बार सिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, है ना, तो ये इसके लिए बना हुआ है, ये फॉट फिक्स ये, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भैया हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तीन बार छः लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए लिख लिया, है ना, तो मुझे याद करना पड़ेगा फोर थ्री फाइव सिक्स, इसमें ये दूसरी संख्या, ये आपकी बिल्कुल फ्रीज रहेगी, हमें इनके साथ कुछ भी नहीं करना होगा, है ना। जब भी क्या है ये डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स फोर सिक्स वगैरह आ जाए तो फोर थ्री फाइव सिक्स को याद कर लीजिएगा, और जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी फ्रीज रहेगी, हमें इनके साथ कुछ भी नहीं करना होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीन बार छः है, ये भी तीन बार छः है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम दो बार चार लिखेंगे, ठीक है, फिर तीन लिख देंगे, फिर दो बार पाँच लिख देंगे, फिर छः लिख देंगे, तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया ये, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये है ना, ये तो मैंने बताया था अभी, ये देखो, मान लीजिए अगर आपका ये चार बार छः आ गया यहाँ,
तो क्या करोगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 4x6 लिख दीजिए प्यार से। देखो ये आ गया प्यार से 4x6, ठीक। क्या याद करना है आपको, ये यहाँ याद करना है 4, 3, 5, 6 हमेशा के लिए, ये वैल्यू आपके बिल्कुल फ्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये जो दूसरी संख्या गया है बिल्कुल उनके साथ कुछ भी नहीं करना होगा, ये है ना। अब यहाँ पे 4x6 है, ये भी 4x6 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये 3x4 लिखिएगा, ये फिर 3 लिख दीजिएगा, ये फिर 5 कितनी बार लिखोगे आप, ये 5 बार, सॉरी 3 बार लिखोगे, 5 और 6 बना दीजिएगा, ये आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। मतलब कि जब आप इसमें 4x6 लगाओगे, गुणा आप 4x6 में करोगे, आपको ये जो फॉर्मूला है ये फोर्ट फिक्स याद करना पड़ेगा, फॉर मतलब 4 है ना, फोर्ट ठ मतलब टी, ये फॉर 3 हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, ये फॉ फिक्स और इक्स मतलब कि 6 हो गया ये, है ना। तो क्या है आपका ये 3 बार क्या है, 4 चलेगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 जो होगा 3 बार लिखा जाएगा और फिर लास्ट में ये 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना दोस्तों। अगला और देख लो यहाँ पे, ये देखिए कितने बड़ी है ये, इसको यहीं बताते हैं ये, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे भाई 5 जो है मतलब 6 जो है 5 बार लिखा गया ये, ठीक है, और ये भी आपको 5 बार लिखा गया ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मुझे फोर्ट फिक्स याद कर लीजिएगा, ये 4, 3, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितनी संख्या है, ये 5 बार है, ये भी आपकी 5 बार है, ये 5x6 है, तो क्या करूँगा मैं इसको 4x4 लिखूँगा, ये उसके बाद 3 लिख देना ये, फिर उसके बाद ये 5 जो है वो 3 बार लिखिएगा, तो लास्ट में 6 कर दीजिएगा, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर आ गया। अगर इस चीज़ को अगर मैं कैलकुलेटर में करता हूँ तो ये बहुत समय लगेगा, या हो सकता है आगे चल के और भी बड़े बड़े सवाल करूँ, हो सकता है। देखो इच्छाएं हैं, कभी किसी की मरती नहीं है, ये है ना, इच्छा होती है कि लाओ और कैलकुलेशन कर लें और कैलकुलेशन कर लें, पर अगर ट्रिक्स होगी तो ट्रिक्स के माध्यम से एक तो आपका समय बचेगा और उसका आंसर होगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है ना। जमाना कैसा है, कॉम्पिटिशन का है, तो इसके साथ हमें चलना होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो हमारी ट्रिक्स थी ये किसे कहते हैं, फोर्ट फिक्स कहते हैं ये, है ना। फोर मतलब 4 होता है, ये देखिए 4 हो गया, ये था मतलब कि हो गया आपका 3 हो गया, ये फा मतलब कि 5 हो गया, ये फा कहते हैं फा, और एक्स मतलब 6 हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है बिल्कुल फ्रीज होंगी, इनके साथ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ये आपके परिवर्तन होंगे, ये ठीक है, जैसे हमारी वो संख्या होगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा रोहित चौहान चैनल पे, और देखिए आगे सुपर फास्ट वीडियो है, ये आपकी लास्ट है, उसके बाद और भी वीडियोस आएंगी, वो अगले पार्ट में आएंगी, ठीक है ना। अब देखो छोटे वैल्यूज हैं, ये इंसान इजीली मल्टीप्लाई कर लेगा, वहाँ पे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उसे कब आती है, जब कोई क्या है कोई भी बड़ी संख्या आ जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। मेरे पास मतलब हम अपने पास इतना मतलब समय नहीं होता है कि इसको क्या किया जाए, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो जैसे मान लीजिए भैया 25x25 है ये, ठीक है, नहीं मालूम क्या आंसर आएगा ये। देखो ये संख्या बिल्कुल एक जैसी है, पहली जाती है ना, बिल्कुल भैया भैया नजर आ रहे हैं, तो हमें जो हमारी लास्ट जो वैल्यूज हैं ये क्या है, ये 5 है, ये 5 जो कितना होता है, ये 25 होता है ये, ठीक है ना। अब ये संख्या और ये संख्या दोनों एक जैसी हैं, ये 2 है, 2 के आगे ऊपर वाली संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, ये होती है ना, ये 2 के ऊपर वाली संख्या क्या होगी, मतलब आगे वाली संख्या 3 होती है, तो 3 दोनों कितना होता है, ये 6 हो गया, ये तो कितना आपको उत्तर हुआ, ये 625, ठीक है। और देखो यहाँ पे जैसे कोई कहता है बताओ 35x35 कितना होता है, ये है ना, लोगों को हवाई टाइट हो जाएगी वहाँ पे, अरे भैया पेन लाओ जी लाओ वो लाओ, अरे छोड़ो क्या करना है यहाँ पे भाई, यहाँ दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो वहाँ पे, ये है ना भाई 35x35 है, ये देखो बिल्कुल एक जैसे हैं, ये 5x5 मतलब 5x5 जो कितना होता है, ये 25 होता है, ये अब पकड़ो 3, अब 3 से बड़ी संख्या क्या होती है, ये 4 होती है, ये कितना हो गया, 4 3 कितना हो गया, ये
घायल हो गया, कितना होगा 12-25 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो और देखो यहाँ पे, जैसे कोई कहता है बताओ 45 × 45 कितना होता है, तो हो गया उसका पैंट गीला हो गया, है ना। तो पैंट गीला क्यों करेंगे, प्लीज़ देखो टिक्स, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे, वही सेम चीज़ 25 25, ठीक है। 4 है, 4 से बड़ी संख्या क्या होती है 5, है ना। 4 × 5 = 20, यहाँ 20 लिख दीजिएगा, मतलब 20 25 पहले था, ये 25 25 हो गया ये, और 4 × 5 = 20, तो आप उत्तर क्या होगा 20 25, ठीक है ना दोस्तों। और देख लो यहाँ पे, अब कोई कहता है कि मान लो 55 × 55 करके दिखाओ, यहाँ पे लीजिए साहब 55 × 55 आ गया, क्या करूँगा, लास्ट की वैल्यूज क्या हो रही है 25, ठीक है। अब 5, ये भी 5 है, ये 5 से बड़ी संख्या क्या होती है 6, है ना, इसका गुणा कर लो 5 × 1 = 30, कितना होगा 30 25, आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। बहुत अच्छी विधियाँ हैं, समय बहुत कम लगता है ये, है ना। अब जैसे कोई कह लेगा भैया मान लो 65 65 करके दिखाओ, भी कह सकता है भाई, जब 35 भी कह सकता है तो 65 भी कहेगा, दिमाग है भाई उसका, क्या है लास्ट की वैल्यूज देखो 5 5 है ये, मतलब 25 हो गया ये, है ना। अब 6 से बड़ी संख्या क्या होती है 7 होती है, है ना। 6 7 कितना हो गया ये 42 हो गया, ये मतलब 42 25 आपको उत्तर आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में डालिएगा, मैं उसका पक्का सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। पर किसी भी तरीके का कोई गलत कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ ये। आप सही सुझाव दीजिए ताकि मैं विचार करूँ, अच्छी से अच्छी और वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं 75 × 75, ये है ना, देखिए लास्ट की वैल्यू एक जैसी है, ये 55 25, ठीक है। ये आपका 7 है, 7 की ऊपर संख्या क्या होती है 8 होती है, ये 8 7 56, कितना उत्तर हुआ ये 56 25, ठीक है ना दोस्तों। चलिए और देख लो, और हम वीडियो अंतिम की ओर जा रहा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 85 × 85, जिसे कोई कहता है भाई 85 × 85 करके दिखाओ, आप ओरली बता सकते हो ऐसे करके, ये कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैलकुलेटर धद्दो कुन्ना बिल्कुल, ये मतलब तुम्हारी जरूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाएगा वहाँ से, है ना। तो क्या करेंगे 55 25, 8 है, 8 की ऊपर संख्या क्या होती है 9 होती है, 8 × 9 = 72, क्या उत्तर होगा 72 25, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर हो गया फॉर्म मामला ये, ठीक है। तो यही हमारे वीडियो थी आज की है, और इसके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद।